भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कोरोना महामारी की वजह से 29 मार्च से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया। साथ ही उसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाकी 2 मैचों को भी रद्द कर दिया है। बीसीसीआई के इस कदम पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने खुलकर इसका स्वागत किया है। बता दें आपको, बीसीसीआई के जनहित में यह निर्णय लेकर एक उदाहरण प्रस्तुत करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता है। सुनील गावस्कर आईपीएल को निलंबित करने के बीसीसीआई के फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं। उन्होंने कहा, निर्णय लेना आवश्यक था, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है वो सिर्फ भारतीयों के हित में नहीं है, बल्कि उसने क्रिकेट की दुनिया को जुड़े लोगों को भी ध्यान में रखा है। आईपीएल में दूसरे देशों के खिलाड़ी के अलावा अंपायर, टेक्नीशियन और कैमरामैन भी आते हैं। बता दें आपको, सुनील गावस्कर ने कहा, आईपीएल के दौरान स्टेडियम में 30 से 40 हजार की भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा स्टेडियम के बाहर और होटलों की लॉबी में भी दर्शक काफी ज्यादा देखने के लिए हुजूम जुड़ जाता है। लोगों के इस तरह जुड़ने से कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिंदगानियां बचानी ज्यादा जरूरी है, संक्रमण ना हो इसका हमें विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके लिए अगर खेल प्रतियोगिताओं को रद्द या स्थगित करना पड़े तो कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के इस निर्णय से खेल जगत में अलग संदेश गया है। उन्होंने कहा, हमें लोग हमेशा कहते हैं कि बीसीसीआई हमेशा पैसों के पीछे भागता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने पूरे भारत का अब ख्याल रखा है। उधर हरभजन सिंह ने भी बीसीसीआई के निर्णय पर संतोष जताया है। उन्होंने सही इसको करार दिया है और कहा है कि खेल अभी नहीं तो एक महीने बाद भी हो सकता है, पहले जिंदगियां बचाने के लिए पहल की जानी काफी ज्यादा अच्छी है। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।